हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में और विकराल हुआ कोरोना, एक दिन में 3,285 लोगों को लीला, 3.62 लाख नए केस। देश में कोरोना के रोजाना के मामलों में हल्की गिरावट के बाद फिर तेज वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मंगलवार को 3,62,787 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि 3,285 मरीजों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह 3.23 लाख मामले आए थे, लेकिन रात 12 बजे तक ये आंकड़ा बढ़कर 3.62 लाख के पार चला गया। इससे पहले सोमवार को 3.52 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2,800 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा था। ये महामारी के शुरुआत से अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,79,88,637 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर गिरकर 82.54% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक संक्रमण से 3,285 और लोगों ने दम तोड़ने से मृतक संख्या बढ़कर 2,01,165 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, ये संख्या बढ़कर 29,72,106 हो गई है, जो कुल संक्रमितों का 16.34% है। वहीं राष्ट्र स्तर पर कोविड-19 से ठीक होने की दर गिरकर 82.54% हो गई है। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,48,07,704 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत, पिछले 24 घंटे में 2,771 लोगों की मौत हो गई। इनमें महाराष्ट्र में 895 मरीजों की, दिल्ली में 381, उत्तर प्रदेश में 264, छत्तीसगढ़ में 246, कर्नाटक में 180, गुजरात में 170 और झारखंड में 131 मरीजों की मौत हुई। जागरूक टीवी के कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।